नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले सिक्का लॉजिस्टिक्स के बारे में, जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और यहाँ पे एनसीटी में चली गई, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे सिक्का और लॉजिस्टिक एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है नवंबर मंथ में। तो कौन सा इवेंट है पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। तो आपने देखा रहेगा जो सिक्का लॉजिस्टिक जो स्टॉक है लगातार अपर सर्किट में भाग रहा है पिछले 5 दिन से, और इसका नॉर्मल ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि बीच में इसका जो ट्रेडिंग यहाँ पे बंद किया था, जैसे कि मंडे के दिन इसका सिर्फ ट्रेडिंग होता था, इसके वजह से हर एक यहाँ पे इन्वेस्टर परेशान हो चुका था। हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका ट्रेडिंग बंद क्यों है। देखिए कैसे रहता है, कभी भी कंपनी यहाँ पे बैंकक्रप्ट होती है और एनसीएलटी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो बीएससी और एनएससी एक्सचेंज रहते हैं इनकी तरफ से इस कंपनी के जो स्टॉक है इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेडिंग होता है, अभी तो फिलहाल नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है और स्टॉक लगातार 5 दिन से अपर सर्किट में भाग रहा है, तो आपको अभी तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में यही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एक बैंकक्रप्ट कंपनी है और ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर केस चल रहे, तो ऐसे स्टॉक में ज्यादा पैसा मत लगाए। तो यहां पे न्यूज के ऊपर जाने से पहले एक बार सीनियर समझ जाते, जो भी स्टॉक मार्केट में नए नए लोग आए उनको जो न्यूज है बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती है। जैसे कि जो सिक्का और लॉजिस्टिक जो कंपनी है यहां पे एक जमाने में मार्केट का लीडर थी। लॉजिस्टिक सेक्टर में स्टॉक का प्राइस भी लगभग यहां पे 150 रुपए के ऊपर था, लेकिन इसकी हालत अभी देख सकते बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए। तो यहां पे इनका बिजनेस चला नहीं और यहां पे जो कंपनी बैंक्स का पैसा वापस दे नहीं पाई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बैंक्स अपना पैसे मांगने के लिए चली गई कोर्ट में। एनसीएलटी करके मार्केट में कोर्ट काम करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, हाई कोर्ट रहते हैं आम आदमी के लिए, वैसे स्टॉक मार्केट में एनसीएलटी और एनसीएलएटी करके रहते हैं यहाँ पे कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे एनसीएलटी में जाने के बाद आप लोगों को पता रहेगा जो बैंक्स है इन्होंने एक कमेटी बना के, यानी कि कॉक कमेटी ऑफ क्रेडिटर, इन्होंने क्या किया था, सिक्का लॉजिस्टिक के लिए एक रेशन प्लान पास करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे रेशन प्लान मतलब क्या होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी सेम सेक्टर में कंपनी काम करते जैसे कि प्रिस्टीन लॉजिस्टिक है, ऐसे कंपनी ऐसे बैंकक्रप्ट कंपनी को खरीदने की कोशिश करते एनसीएलटी में। तो इसका फायदा क्या होता है, ऐसे कंपनियों को बिल्ड क्यों लगाती है ऐसी बड़ी कंपनियां बैंकक्रप्ट कंपनी के ऊपर, तो इसका फायदा बड़ी कंपनी को ये होता है कि जो कंपनी रहती है बैंकक्रप्ट कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलती है यहाँ पे एनसीएलटी में जाने के बाद, और ऊपर से पूरा बिजनेस रेडीमेड रहता है, तो बड़े कंपनी के लिए बहुत ही आसानी रहती है यहाँ पे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इसके वजह से आपने देखा रहेगा जो रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी रहती है एनसीएलटी में जाने के बाद खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रिलायंस ने क्या खरीदा था, सिंटेक्स इंडस्ट्री खरीदा था, उसके बाद आपने देखा रहेगा दूसरा एक कंपनी खरीदा था आलोक इंडस्ट्री। तो ऐसे कोई भी कंपनी यहाँ पे एनसीएलटी में जाती है तो बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं बड़ी कंपनी के लिए, इसकी वजह से बड़ी बिड लगाई जाती है ऐसे कंपनी के ऊपर। ये तो हो गया सीनियर। तो जैसे कि आपने जनवरी मंथ में देखा था यहाँ पे सिक्का लॉजिस्टिक को खरीदने के लिए यहाँ पे प्रिस्टीन लॉजिस्टिक सबसे टॉप बीडर था, उन्होंने लगभग 520 करोड़ के आसपास बीट लगाए थे। इसके अलावा यहाँ पे चार बड़े रेशन प्लान पास करने की कोशिश की थी सिक्का और लॉजिस्टिक के लिए। तो आगे जाके आपके दिन बदल सकते हैं जो शेयर होल्डर है उनके, अगर कॉर्पोरेशन में एक के बदले एक शेयर मिलता है तो। लेकिन कॉर्पोरेशन मतलब होता क्या, एक ऐसा इवेंट रहता है वहाँ पे सोचा जाता है कि जो पुराने शेयर होल्डर है इनका क्या करना है, क्या उनको एक के बदले एक शेयर देना है या फिर एक के बदले 0 शेयर देना है। अगर एक के बदले आपको 0 शेयर मिलता है तो आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे खत्म हो सकता है, 0 हो सकता है। तो रिस्क भी रिवॉर्ड भी आपके ऊपर डिपेंड है कितना पैसा लगाना है। ये तो हो गया पुराने न्यूज़। तो यहाँ पे 14 नवंबर को कौन सा इवेंट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 3 नवंबर को एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जो कंपनी है सिक्का लॉजिस्टिक्स अपने Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले यहाँ पे नवंबर मंथ में। तो यहाँ पे तारीख कौन सा बोला गया नवंबर मंथ में देख सकते हैं आप लोग, 14 नवंबर यहाँ पे सिक्का लॉजिस्टिक्स जो कंपनी है यहाँ पे अपने Q2 यानी Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर करने जाने वाले। देखिए अभी तो फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट का जो शेयर होल्डर है इनके लिए कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल उनकी एक ही उम्मीद है वह रेशन प्लान। रेशन प्लान जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्रूव होना चाहिए और कॉर्पोरेशन में उनको एक के बदले एक शेयर मिलना चाहिए। अगर दो चीज़ें होती तो शेयर होल्डर की लॉटरी लगेगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पूरा कैपिटल 0 हो सकता है। तो यही तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।